संसार के निष्कासित होने से पहले फलक नाज और साइरस के साथ उनकी हुई थी लड़ाई, और साइरस के साथ तो हाथापाई पे उतर आए थे पुनीत सुपरस्टार। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार इस लड़ाई की वजह क्या थी, क्योंकि आप लोगों के लिए जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप एक सही डिसीजन लेने वाले होते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस पुनीत जो है, मुझे पहले थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जो है यार वो लगा कि यार बेचारा है, पर बाद में मुझे वो बहुत ही ज्यादा गंदा लगा और मुझे बहुत ही गंदा आदमी लगा। और सच में यार जो बात सही है उसको सही तरीके से बोलना बहुत ज्यादा सही होता है। आपको कैसा लगा आप लोग बताइए। वहीं पर जो है फलक की पहले लड़ाई हुई उसके साथ की, फलक जो डिस्कशन रूम में बैठे थे सब लोग, और वहीं पर पुनीत बाहर बैठा था कि मुझे बिग बॉस बाहर निकाल दो, ये कर दो वो कर दो, और फिर उसके बाद जो है सब लोगों को एक साथ बोलने लग गया कि तुम लोग बोलो बिग बॉस को कि मुझे बाहर निकाले, बोलो 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 बोलो। आप सोचो कि रिपीट, उसका रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था। इवन सलमान खान ने भी बोला था कि भाई बस हो जाता है, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। वहीं पर जो फलक को गुस्सा आ गया, जैसे कि बिग बॉस, जैसे कि सलमान खान ने बोला था कि फलक को जो है एंगर इश्यू है, फलक ने वहां पर भी खरी खोटी जो है पुनीत को सुनाई कि हम क्यों बोले, तुझे बोलना तो बोल दे। उसके बाद पुनीत ने जो है बाथरूम में जाके हदें पार कर दी, पॉटी कर दी बाथरूम के अंदर, और इतनी सारी पॉटी पड़ी है भाई, इतना बड़ा आदमी है हगेगा भी तो इतना सारा हगेगा ना, तो पानी तक नहीं मारा और कुछ भी नहीं आया, तो बोलते बोलते इतना इतना गंदा लग रहा। सोचिए कि इन लोगों ने देखा होगा कि इतना सारा हगना वहां पर पड़ा है। वहीं पर जो है ये लोग वहां पर आए, साइरस ने बोला कि भाई तू बोल दे, किस दे थे तू नहीं किया ना, भाई मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। वहीं पर जो है साइरस ने बोले ठीक है हम लोग कैमरा फुटेज निकालने के, हम बोलेंगे कि फुटेज निकालो, तो जहां पर साइरस के ऊपर चढ़ गया, हाँ निकाल दो फुटेज, तू निकाल निकाल के दिखा, तू ये कर वो कर, हाथापाई के ऊपर उतर आया। फलक वहां पर भी पुनीत के ऊपर चढ़ गए कि हम क्यों करें, तू जाके कर, तुझे चाहिए ना, तू झूठ बोल रहा है वगैरह वगैरह। ये सब चीजें लड़ाई हुई। और मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई पूजा भट्ट भी काफी ज्यादा एंग्री वुमेन बन गई थी, काफी सारे लोगों को इरिटेट किया। मुझे लगता है कि ये जो एलिमिनेशन किया है, ये निष्कासित किया है, सही है भाई, गंदे बंदे को रखना भी नहीं चाहिए। क्या सीखेगी जनता, आप क्या बोलते हैं बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।